अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो देखो, सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। भाई कोरोना वायरस ने तो हालत ख़राब कर रखी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी घर से बाहर ना निकले जब तक भी लॉकडाउन रहता है। अब जो लॉस हो रहा है ठीक है, दोबारा से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पढ़ाई कम से कम लॉस तो हो ही रहा है, कम से कम लॉस हो, इसके लिए मैं आज से आपको डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊँगा। होपफुली थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, नहीं आता है कॉल करिए, बार बार देखिए वीडियोस को, खाली नहीं बैठना है घर पे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। पुराना रिवाइज कर लो 9th क्लास का, ठीक है, या नया भी रिवाइज करना है तो आप मेरे से पूछिए, कुछ भी पूछिए, मगर खाली नहीं बैठना है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हाँ, पहले दूसरी बात, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यानी हमने जो ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा था, उसको सब भूल जाइए, ठीक। उसको अभी हमें ध्यान में नहीं रखना है, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बिल्कुल फोकस करिए, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इसी के बारे में हमें आज थोड़ा इंट्रोडक्शन और 2-3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, देखते हैं पहले क्या रेस्पॉन्स मिलता है, आप लोगों को समझ में आता है नहीं आता है। आज थोड़ा ड्यूरेशन कम होगा, उसके बाद ड्यूरेशन हम बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको मैं आज के इस मॉडर्न टाइम में बहुत ही जगह जगह तरह तरह के पर्पज से यूज़ करता हूँ। इसके बिना आज सोचो, आप इमेजिन करो, इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या होगा? ना फैन, ना लाइटनिंग, जो इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, इंडस्ट्री, सब क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बड़ा यूज़ है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी यूज़ इन आवर होम्स, इंडस्ट्रीज, इन ट्रांसपोर्टेशन, और भी कई जगह। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपने घरों की बात करी जाए तो आप घरों में लाइटनिंग पर्पज़ से AC चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी, टेलीविज़न चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी, या आपको सीधा सीधा डेस्कटॉप भी चलाना है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, आपको बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप सोचो जो भी बहुत सारे अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स, कुछ भी हो सकती है मशीन्स, सभी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, या हम लोग बात कर सकते हैं कि आज के टाइम पे क्या आती है, इलेक्ट्रिक कार्स, सब में क्या यूज़ है? इलेक्ट्रिसिटी ही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, पहला क्वेश्चन यही है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन करना है। लिखते चलिए क्वेश्चन हैंड टू हैंड, कि लिख लीजिए पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी और डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी यूज़ इन आवर होम्स फॉर वेरियस पर्पसेस। होम्स नहीं, इंडस्ट्रीज़ भी, फैक्ट्रीज, कुछ भी हो सकता है, जगह जगह यूज़ करते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा चार्ज क्या होता है, तीसरा कि आपका एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्थ है करंट, एंड फिफ्थ वन इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जिसमें पूरा चैप्टर आपका है, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। होपफुली देखते हैं आज कितना हो पाता है, आपको समझ में आता है, ठीक। उसके बाद हम दोबारा से पढ़ेंगे। देखिए, तो मैं ये बता चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको मैं घरों में तरह तरह के पर्पज से या इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करता हूँ। देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2 तरीके की इलेक्ट्रिसिटी हमारे हैं कॉन्सेप्ट में, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों का एग्जांपल दूंगा, समझेंगे अच्छे से, जितना हो सकेगा समझाने की कोशिश करेंगे, डीप ज़्यादा, देखते हैं कितना हो सकता है, कि आप कितना बेटर समझ सकते हैं। देखिए कोशिश करूँगा सब चीज़ बता पाऊँ। देखिए बेटे, जो ये वर्ड स्टैटिक है ना, इसका मतलब होता है रेस्ट। एक बात माइंड में याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ होगी वहाँ चार्ज जरूर होगा। बिना चार्ज पार्टिकल्स के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। चार्ज के फ्लो होने को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्ज फ्लो हो गया तो हम कह सकते हैं करंट आ गया, और करंट आ गया तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अभी हम डीप पढ़ेंगे, चार्ज को भी पढ़ेंगे, करंट को भी पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखिए कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ चार्ज होंगे ही होंगे। चार्ज का मूवमेंट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं अभी दोनों इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बेटा स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, तो सुन लीजिए वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होते हैं, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उस वो इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं जिसमें आपके चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होते हैं। ये जनरली जो आपकी देखी जाती है वो देखी जाती है किसमें, इंसुलेटर्स में। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें चार्ज फ्लो नहीं हो पाते। इलेक्ट्रिसिटी तो होती है मगर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाती। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज मूव नहीं कर सकते। उसमें चार्ज पार्टिकल किस में होते हैं बेटा, आपके रेस्ट में होते हैं। किस में, रेस्ट में। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये मेरे पास क्या है बेटा, स्केल है, क्या है, जो कि क्या है, अच्छा इंसुलेटर है, प्लास्टिक का स्केल है। नीचे क्या है, ये पेपर के कुछ पीसेस पड़े हैं, छोटे छोटे पेपर के कुछ पीसेस पड़े। अब जैसे ही मैंने इसके इतने पार्ट को क्या करा, रब करा अपने हेयर से, ऑयल लगा हुआ है उस हेयर से, तो यहाँ के जो ये पार्टिकल्स हैं इन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, रब करने पे ये पार्टिकल्स क्या हो गए, चार्ज हो गए। और इन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मुझे कैसे पता पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, अभी हम सब पढ़ेंगे आगे चार्ज में। फिलहाल के लिए थोड़ा सा एग्जांपल है, समझने की कोशिश करिए। आज हम चार्ज पूरा कर लेंगे। तो स्केल को रब करा तो उसके पार्टिकल्स क्या हो गए, चार्ज हो गए, प्लस चार्ज। अब इसके अंदर ये फ्लो तो कर नहीं सकते क्योंकि इंसुलेटर है, तो ये एक जगह पर होल्ड करके रहेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ये अंदर फ्रीली मूव नहीं कर सकता, बिकॉज तभी तो इंसुलेटर है ये। अगर ये मूव कर जाते तो उसमें करंट फ्लो हो जाता, मगर करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, केवल पार्टिकल क्या हुए हैं, चार्ज हुए हैं रब करने पे, और वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर इस पेपर को मैं जूम करके देखूं एक पीस को, तो इसमें आपको पता है एटम्स के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। तो इसके अंदर भी क्या होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट साइड इकट्ठे हो जाएंगे। और जब पॉजिटिव नेगेटिव एक तरफ आ गए तो ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें पार्टिकल्स किस में रहे, आपके रेस्ट में रहे। मूव क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज इट इज़ अ इंसुलेटर। और ये अट्रैक्ट क्यों हुआ, चार्ज होने पे क्या है, पॉजिटिव। इसमें दोनों चार्ज थे, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, केवल नेगेटिव को। तो सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव दूसरी तरफ, और ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होके इसके तरफ ये पेपर का पीस क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है बेटा, आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। आया समझ में। बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स किसमें होते हैं, मूविंग कंडीशन में होते हैं। चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, मूविंग कंडीशन में। जो हमारे चार्ज होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इसमें मूव कर रहे होते हैं। और तो उस केस में जो, अभी इसको हम डीप पढ़ेंगे बाद में करंट को, अभी आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। स्टैटिक मैंने समझा दिया, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, थोड़ा सा था, बता दिया। ये डीप पढ़ेंगे जो हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा बता दिया है कि इसमें चार्ज पार्टिकल क्या रहते हैं बेटा, मूव रहते हैं, मूविंग कंडीशन में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सब किसका एग्जाम्पल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। या हम इलेक्ट्रिक ट्रेन चला रहे हैं तो उसमें कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, करंट। क्यों? क्योंकि ये जनरली क्या करते हैं, इसमें चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। और ये किसमें आता है बेटा, जनरली आपका कंडक्टर्स में, क्योंकि कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या हो जाती है, फ्लो। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो हो जाता है। और जब चार्ज फ्लो हो गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाई जाएगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको डीप पढ़ेंगे, अभी अच्छे से पढ़ाऊंगा कि जब कब चार्ज मूव होगा, कंडक्टर क्या होता है अच्छे से पढ़ेंगे, इंसुलेटर क्या होता है, ये सब हम क्लियर करेंगे। अभी बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्या कंडक्टर, वो जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव हो जाए। जनरली क्या होते हैं आपके ये मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं लोहा या कॉपर, सिल्वर, जनरली ये। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जनरली प्लास्टिक, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो यहाँ तक समझ में आने के बाद थोड़ा सा पार्ट हम आगे चलते हैं, डीप पढ़ते हैं, जो कि आज का ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो है हमारा, मैं रेस कर रहा हूँ, किसी को अपने ही फायदे के लिए उतारना उतार लो, अदरवाइज वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, कभी भी देख सकते हो। देखिए, इतना पढ़ाने के बाद जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा चार्ज। बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि ये चार्ज है क्या, आया कहाँ से, मुझे कैसे पता इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मुझे कैसे पता कि जो सामने ऑब्जेक्ट है उस पर नेगेटिव। एग्जाम्पल, मुझे कैसे पता स्केल पे पॉजिटिव आया था, नेगेटिव भी तो आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, मगर कब, कैसे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो चार्ज है वो कुछ भी नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आप देख के समझ ना पाओ या बता ना पाओ। बस ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूँ। चार्ज क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ नहीं है। क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी। क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की। तो चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की कि अगर चार्ज किसी पार्टिकल पे आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा एक पार्टिकल है जिस पे मेरा चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये चार्ज आने पे इस पे एक प्रॉपर्टी आ जाएगी क्या, कि ये अपने आसपास क्या लगाना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लगाना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज क्या है? चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की। क्या कि अगर किसी भी पार्टिकल पे चार्ज आ जाए तो वो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बना लेता है जहाँ तक वो फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स का मतलब कि गलती से अगर यहाँ कोई पार्टिकल आ गया जिसका क्या साइन है, नेगेटिव, तो ये इसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? और ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, विद ड्यू टू द चार्ज। तो चार्ज क्या है? एक वही प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी पार्टिकल पे आ जाए तो ये अपने जैसा अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल को कुछ रेंज तक, कुछ डिस्टेंस तक उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और जहाँ तक भी वो अट्रैक्ट कर पा रहा है उस एरिया को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। तो चार्ज क्या है? कुछ नहीं, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की कि अगर किसी भी पार्टिकल पे वो आ जाए तो उस पार्टिकल पे एक प्रॉपर्टी आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है कि वो अपने आसपास क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसके जैसा कोई अपोजिट चार्ज मिल जाए तो वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए, अब ये जो चार्ज है, इरेज कर रहा हूँ, चार्ज है, चार्ज को जो हम डिनोट करते हैं बेटा, वो करते हैं क्यू से। किससे? क्यू से। इसकी जो यूनिट है, क्या है जो इसकी यूनिट है, वो है हमारी कूलाम। क्या है? कूलाम। डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, कैपिटल सी से। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसका कोई रोल ही नहीं है। प्रोटॉन वो पार्टिकल होता है जिस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल होता है जिस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहाँ से एक बात सामने आती है कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जिस पार्टिकल पे चार्ज प्लस का आता है वो कहलाता है पॉजिटिव चार्ज, एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटॉन, क्योंकि वो पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं प्रोटॉन, और वो पार्टिकल जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरी बात, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्ट होते हैं बट सिमिलर चार्जेस रिपेल होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी मैं बताऊंगा आपको कि चार्ज कैसे आता है, कब आता है, क्यों आया, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। फिलहाल इतना पढ़िए, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है, बता चुका हूँ। यूनिट क्या है, कूलाम। डिनोट करते हैं क्यू से, कूलाम को सी से। एटम के अंदर तीन पार्टिकल होते हैं, तो एटम के अंदर ये सब न्यूट्रल होता है। अभी पढ़ेंगे इसको भी, मैं कुछ लॉजिक है बताने का, इसको भी समझना। प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज दो तरीके के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल होते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे सुनिए, देखो आपको पता है वो चार्ज पार्टिकल जो किसी भी पार्टिकल पे अगर पॉजिटिव चार्ज पाया गया तो वो कहलाता है प्रोटॉन। अब किसी पार्टिकल पे मिनिमम चार्ज कितना होगा, मिनिमम सबसे छोटा चार्ज कितना होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। ये पार्टिकल है, इस पे चार्ज आ गया कैसा, पॉजिटिव, वो कितना वैल्यू का होगा मिनिमम चार्ज। मैक्सिमम हम मतलब एक प्रोटॉन अपने ऊपर कितना चार्ज कैरी कर सकता है। मान लीजिए मैं हूँ तो मेरी भी एक लिमिट होगी। मान लीजिए मैं पार्टिकल हूँ, अब मुझे अपने ऊपर चार्ज करना है, चार्ज ले जाना है, तो वो कितनी मेरी कैपेसिटी है, मिनिमम कितना चार्ज में लेके जाऊंगा। या मेरी मम्मी ने बोला कि जी आप पार्टिकल हो, आपको कपड़े की बाल्टी ऊपर रख के आनी है, तो मेरी भी एक लिमिट होगी ना। तो वही एक ऐसे समझिए कि मैं तो पार्टिकल और जो बाल्टी है वो क्या हो गई, मेरा क्या चार्ज। और वो कैसा चार्ज आया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, तो वो कितना होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, वो भी कैसा प्लस का। और सेम अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आया तो सेम मैग्नीट्यूड होता है, कितना होगा 1.6 × 10⁻¹⁹, बट वो किसका होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स, आपस में चार्ज कैंसिल होकर एटम क्या बन जाता है आपका, न्यूट्रल। आपने पढ़ा था ये, है ना। तो सेम चार्जेस होते हैं अपोजिट पे, बस प्रोटॉन पे प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। ये मिनिमम वैल्यू है जो किसी भी कोई भी प्रोटॉन अपने ऊपर चार्ज होल्ड करेगा पॉजिटिव का। और ये मिनिमम वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। किसकी, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मिनिमम चार्ज कितना होता है माइनस का, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अब इमेजिन करिए मेरे पास एक प्रोटॉन है, ये पार्टिकल एक प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, दोनों यूनिट डिस्टेंस पर रखे हैं, दैट इज 1 मीटर। कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सेम क्वांटिटी में चार्ज है, 1 मीटर पे रखे हैं। ये अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है 9 × 10⁹ न्यूटन। सब सिखा दूंगा लाइव क्लासेस में, मिलना कि कैसे होगा। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, सबके बता दूंगा कि कैसे आया, इतना चार्ज क्यों हुआ। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग क्लास करेंगे, अभी बस समझिए। जब कोई भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या कोई भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है तो उनके बीच में फोर्स कितना डेवलप होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन। क्यों कर रहा है फोर्स डेवलप, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस एट्रैक्ट होंगे। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो चार्ज क्या है, अभी चार्ज खत्म हो गया, अभी अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि चार्ज आता कैसे है, ठीक है। कि कौन सा चार्ज प्रोड्यूस, यानी एक तरीके से कि हम कौन सा चार्ज एक्वायर करेंगे। मैंने रब करा तो चार्ज उस पर पॉजिटिव कैसे आ गया और वो अट्रैक्ट क्यों हो गया। अट्रैक्ट तो मैंने बता दिया क्यों हो गया, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया वो मैं बताऊँ। सुनिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे इस टॉपिक पे, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो बता रहा हूँ उसको सुनते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनते रहिए, डिफाइन चार्ज। अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपका आज का होमवर्क है, डिफाइन चार्ज। पहला क्या था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताइए, उसकी एप्लीकेशंस। दूसरा, चार्ज क्या होता है उसके बारे में सब कुछ बता दीजिए जो पढ़ा है आपने, ठीक है, जितना भी पढ़ा है। और कितना क्वांटिटी में होता है प्लस चार्ज, क्या होता है, दो तरीके के चार्ज होते हैं, यूनिट क्या होती है, डिनोट किससे करते हैं, ठीक है। कूलाम से क्यों करा, क्योंकि जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी हेल्प करी थी चार्ज को डिस्कवर करने में, उनका सरनेम कूलाम था, तो उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए इसकी जो यूनिट है वो कूलाम कर दी गई, ठीक है। आगे सुनिए, इसके बाद पढ़ाने के बाद मैंने ये बता दिया एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। न्यूमेरिकल्स कल करेंगे इस टॉपिक में अच्छे से, अभी फॉर्मूले भी डेवलप करेंगे, मगर अभी आज हम चार्ज को कंप्लीट करते हैं। अब बात आती है कि हाउ चार्ज इज एक्वायर्ड, चार्ज कैसे आता है, चार्ज कैसे आया किसी भी ऑब्जेक्ट पर, हम अभी ये पढ़ें। तो इसको पढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 9th क्लास में आप सबको पता है, वही एग्जाम्पल लूँगा इंसुलेटर वाला जो स्केल वाला था, उसी से आपको सबसे बेस्ट समझ में आएगा, स्केल वाला, जिससे हमारे पेपर पीस अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप सबको पता है क्या कि हर मैटर के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम। सही बात, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप, लास्ट टॉपिक है आज का। दिस इज द स्केल, इतने पार्ट को मैंने रब किया, मान लीजिए इसके पास क्या होंगे, ये एटम्स होंगे। क्या होंगे, एक एटम को अगर मैं जूम कर लूँ तो इसके सेंटर पे तो होगा न्यूक्लियस, ये होंगी इसकी शेल्स, और इसमें क्या मूव कर रहे होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी पार्टिकल हो सकता है, क्या मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, आपको पता है। और यहाँ पर मान लीजिए ये क्या था, मेरे पेपर के पीसेस, क्या ही एक मेरा पेपर, इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। अभी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये न्यूट्रल एटम है। सेम चीज़ इसमें भी, प्रोटॉन किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के, तभी तो ये न्यूट्रल है। सेम स्ट्रक्चर इसका होगा कुछ ऐसा ही। अब जब मैंने इसको अपने हेयर से रब करा तो रब करने पे क्या हुआ, ये प्रोटॉन तो हम छेड़ नहीं सकते, ये तो फिक्स होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। न्यूक्लियस के पास हम लोग क्या केवल छेड़ सकते हैं, किसको चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। उसको गेन भी कर सकते हैं और रिमूव भी करा सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये इंसुलेटर है तो ये क्या करेगा, जनरली गेन करेगा, क्या करेगा, रिमूव। आगे कुछ और होगा तो रिमूव भी कर सकता है, जो रोड है वो भी। ये इंसुलेटर कंडक्टर दोनों हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो ज़्यादातर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अब क्या हो गया, जब मैंने इस पेपर को रब करा तो इस पेपर कह रहा हूँ, जब मैंने अपने हेयर से इसको क्या करा, रब करा, तो जो हेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, हमारे हेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस पर जंप कर गए। क्या कर गए इस पर जंप कर गए। जंप करने से क्या हुआ, प्रोटॉन तो फिक्स रहेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यानी प्रोटॉन तो कम हो गए और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज़्यादा। और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो इस पर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या आ जाएगा, नेगेटिव। उस केस में जब यहाँ पे भी प्रोटॉन किसके बराबर थे, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा हमारे हेयर्स में, पॉजिटिव। ठीक, अब जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो सारे प्लस के चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और इसकी तरफ क्या कर जाएंगे, ये अट्रैक्ट कर जाएंगे, तो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज रहेंगे। इस तरीके से यहाँ कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये चार्ज यहाँ मूव नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज़ अ इंसुलेटर, जिसमें चार्ज पार्टिकल किसमें रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप हुई है ये होगी आपकी क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चार्ज कैसे आता है, बाय गेनिंग एंड रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो जिस पे के पास जंप करा वहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जिसके यहाँ से जंप करा उस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एग्जाम्पल जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, क्या होता है, ये कहा जाता है कि एक रॉड है, क्या है, एक रॉड, और ये सिल्क का क्लॉथ है, क्या है, सिल्क का क्लॉथ। अब क्या हुआ, ये भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जब मैंने इसको इसके साथ रब करा, चारों तरफ क्या करा, इसको रब करा, इतने पार्ट को, तो रब करने से क्या हुआ, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या कर गए, जंप कर गए। क्या कर गए, जंप कर गए। जंप करने पे यहाँ पहले प्रोटॉन बराबर था इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रल होता है एटम। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ कम हो गई, यानी नाउ प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है इलेक्ट्रॉन पे, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, प्लस का, तो सब जगह क्या आ जाएगा, इतने पार्ट में इसका प्लस। और जब यहाँ पर भी क्या था, प्रोटॉन इक्वल थे इलेक्ट्रॉन, मगर जब इलेक्ट्रॉन जंप कर गए हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर गए हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन की वैल्यू कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव। नाउ नेगेटिव पॉजिटिव से क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जहाँ भी इसको नेगेटिव, अब इसके पास क्या आ चुका है, एक फील्ड आ चुका है, पढ़ाया था मैंने, चार्ज आ चुका है, तो ये अपने आसपास की चीज़ों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो प्रॉपर्टी आ गई है चार्ज वाली। मान लीजिए हमने बैलून के पास लाए, इसको किसके पास लाए, बैलून के पास लाए, तो बैलून पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो सारा नेगेटिव चार्ज एक जगह आ जाएगा, पॉजिटिव एक जगह आ जाएगा, और इसकी तरफ बैलून क्या कर जाएगा, एट्रैक्ट कर जाएगा। सेम चीज़ हम जब हेयर से बैलून्स को रब करते हैं तो वो वॉल पे इसी वजह से पेस्ट हो जाते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था कि चार्ज आपका कैसे एक्वायर होता है। आज के लिए इतना। अगर थोड़ा सा छोटा बनाया है वीडियो, आज नहीं आया समझ में तो मुझे आप लोग कमेंट्स तो नहीं चलने के, आप मुझे पर्सनली कॉल करो, दोबारा से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट निकालेंगे। और अभी भी समझ में नहीं आता है तो मुझे, मैं वीडियो ग्रुप भी बना लूँगा एक वीडियो, उसमें क्या करेंगे हम लोग 4-4 बच्चों को ऐड कर लेंगे डाउट्स क्लियर करने के लिए। लाइव भी आएंगे हम बहुत जल्दी जिसमें हम लाइव डाउट्स लेंगे। सेम चीज़ मैथ्स का मिलेगा आपको आज शाम को, तो तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। मेहनत करो बच्चों, हमेशा साथ हूँ, बस पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों से शेयर मत करना इसे, क्योंकि भाई आप लोग पढ़ो अपना, हमें रिजल्ट अच्छा निकालना चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज का पहला होमवर्क, पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, इट्स एप्लीकेशंस, जो भी आपने समझा। दूसरा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तीसरा मतलब व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है। फोर्थ, चार्ज कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। लास्ट क्वेश्चन, हाउ चार्ज इज एक्वायर्ड ऑन द स्केल व्हेन वी रब्ड इट बाय आवर हेयर्स, ठीक है। हमने हेयर्स के द्वारा इसको रब करा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, क्यों आएगा, और वो अट्रैक्ट क्यों करता है पेपर्स को। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, दोबारा सुन लीजिए। पहला इलेक्ट्रिसिटी, डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, डिफाइन चार्ज, इट्स एसआई यूनिट्स, ओके। टाइप्स ऑफ चार्ज, ओके। उसके बाद कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम, कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे मिनिमम, और चार्ज क्या है एक प्रॉपर्टी है, और साथ और इसके बाद क्या कि वो कितना फोर्स लगाते हैं सब बता देना चार्ज में। लास्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है क्या कि चार्ज कैसे एक्वायर होता है, वो कैसे अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं एग्जाम्पल देके समझाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ओके। अपना ध्यान रखो सब और पढ़ो इसे, ठीक। थैंक यू।